सो हे गाइज व्हाट्सअप। सो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बड़े होंगे। सो आज के इस वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, जो कि है इस वीडियो पे कि ये वीडियो मैंने कैसे एडिट किया। सो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, एंड जब मैंने इसको पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, देन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई इसका ट्यूटोरियल डालो यूट्यूब पे। तो ट्यूटोरियल आने में बहुत लेट हो गया, बट आज वो आ चुका है। तो आप लोग पूरा देखना ट्यूटोरियल, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टा आईडी पे पूछ सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो एडिट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग को सबसे पहले दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, एक तो है VN एंड प्रीक्वेल। तो सबसे पहले अभी हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग प्रीक्वेल खोलेंगे, ठीक है। तो अभी प्रीक्वेल ओपन करते हैं। देन आप लोग को कोई ऐसा क्लिप ले लेना है जिसमें आप लोग का क्लाउड आए, मतलब अच्छे से एकदम क्लाउड आए एंड मतलब अच्छा व्यू दिखे। तो वैसे आप लोग कोई शूट कर लेना वीडियो, उसके बाद प्रीक्वेल में आके देन आप लोग को ये इफेक्ट लगाना है। देख लो, मैं अभी बता देता हूँ ये इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यूज प्रीसेट में क्या है, क्योंकि भाई मुझे याद नहीं है मैं कौन सा इफेक्ट लगाया था। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी सब दिखा दूंगा मैं कौन सा इफेक्ट लगाना है। सो देखो, जो मैंने यहाँ पे जो इस वीडियो पे किया वो यहाँ पे है। सबसे पहले मैं फ़िल्टर में गया एंड फिल्टर में ये फ़िल्टर लगाया, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये। एंड इसका फ़िल्टर है वो 100 है एंड शार्पन जो वो 0 है, ठीक है। उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट में खुद अपने से कुछ किया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो मैंने क्या क्या किया। यहाँ पे ब्राइट एक्सपोजर है वो है 0, ठीक है। देन इसका कोई नहीं है। देन हाईलाइट है वो है आपका -100। देन शैडो है वो आपका है -100, ठीक है। देन -100, यस। देन आपका है ये सैचुरेशन, सो इसका है आपका -100, ठीक है। देन इसका भी -100, देन इसका भी -100, ठीक है। सो आप लोग देख लो अच्छे से क्या क्या मैंने किया इस वीडियो पे। सो ये हो जाने के बाद इसको कर लेना आप लोग को एक्सपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग का आना है VN में। तो VN में उस क्लिप को ओपन करते हैं जिसमें अभी हम लोग फिल्टर लगाया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्लिप आ चुका है। देन अभी इसमें आप लोग को दो PNG लगाना है, ठीक है, एक मून वाला है एंड एक स्नो वाला, ठीक है। तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो चलो अभी इसमें यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मून वाला PNG यहाँ पे आ चुका है, एंड इसको अभी हम लोग अच्छे से सेट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड करना है, देन ब्लेंडिंग का ऑप्शन में जाके आपको उसको यहाँ स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे मास्क का जो ऑप्शन है वहाँ पे आने के बाद रेडियल में क्लिक करना है। देन यहाँ पे मून का जो साइज है वो साइज में आपको उसको एडजस्ट कर देना है, ताकि जो उसका ब्लैक स्क्रीन जो मैंने किया ब्लेंडिंग में उसका जो शैडो वो दिखे ना अच्छे से। इसको आप लुक कर दो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसको फिर क्लिक कर, जो इसका जो शैडो है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये करने के बाद आप लोग को लाना है, आप लोग को करना है स्नो वाला PNG लगाना है, ठीक है। सो स्नो वाला PNG मैं लगा रहा हूँ अभी। सो यहाँ पे स्नो वाला PNG लगाने के बाद आप लोग इसको एडजस्ट कर लो अच्छे से, जो वीडियो में पूरा अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है, ऐसा। देन यहाँ पे आप लोग को ब्लेंडिंग में ऑप्शन है जाके एंड इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को फिल्टर में आना है, एंड फिल्टर में आने के बाद आप लोग को ये फिल्टर यूज़ करना है A6, एंड इसका ब्राइटनेस वो थोड़ा लो कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो सारा PNG हम लोग का सेट हो चुका है। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी सॉन्ग लगाना चाहते हो तो उसमें लगा दो। देन अभी यहाँ पे कुछ भी अपना टाइटल दे दो, यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग को इसका जो ओरिजिनल क्लिप है वो आप लोग का ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले आप लोग ओरिजिनल क्लिप इसका ऐड कर लो यहाँ पे। यहाँ पे ओरिजिनल क्लिप जो वो ऐड हो चुका है। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग पहले सॉन्ग डिसाइड कर लो कौन सा सॉन्ग यूज़ करना है उसमें। मैंने जो सॉन्ग यूज़ किया था उसका लिरिक्स जो था वो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो को जो स्प्लिट किया था, ठीक है। अभी यहाँ से ऐसा,
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके कोई भी ट्रांजिशन डाल दो ऐसा, ठीक है। सो ये ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे स्नो वाला पीएनजी में सेलेक्ट करके इसका जो ओपेसिटी है वो आप लोग को 70 या फिर 80 कर देना है। ये यहाँ पे 75 कर दिया, ठीक है। देन मून का भी जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सो ये जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो अगर इसमें एक कोई भी प्रॉब्लम आया होगा आप लोग को या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसमें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, एंड कमेंट करना ज़रूरी है भाई, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो में, ठीक है। सो जल्दी से वीडियो बना के मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे, मैं भी देखूंगा आप लोग मेरे ट्यूटोरियल से कितने सीखे हो, ठीक है। सो आप लोग भी ट्राई करो एंड मेरे इंस्टा पे मुझे टैग करना डाल के, देन मैं आप लोग को रिपोस्ट करूँगा, मैं देखूँगा कि कौन कौन सीख चुका है मेरे ट्यूटोरियल देख के। सो बाय।